वेलकम टू जॉब्स एंड प्रमोशन चैनल। हमारा सब स्टाफ से क्लरिकल प्रमोशन का क्लास चल रहा है। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये जो लेक्चर है वो लेक्चर फुल देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन कर लीजिए, PDF को पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम एकदम कन्फर्म आपका क्रैक हो जाएगा। 400 से ज़्यादा स्टूडेंट है जो ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम ओपनिंग ऑफ अकाउंट, जो सुकन्या समृद्धि का अकाउंट है वो ओपनिंग के लिए देख लीजिए। द अकाउंट में बी ओपन बाय वन ऑफ द गार्जियन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड हु हैज़ नॉट अटेंड इन द एज ऑफ 10 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। ये जो अकाउंट है वो एक गार्जियन खोल सकते हैं, एक गर्ल चाइल्ड के भी आप पे। ये सिर्फ एक सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट है वो सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए खोला जाता है। वो गर्ल चाइल्ड के बिहाफ पे उसका जो है गार्जियन है वो खोल सकता है। वो कब खोलना होता है, वो जो उसका 10 ईयर नहीं हुआ अब तक, जो 10 ईयर का नहीं हुआ है तब तक खोल सकता है। जब आप अकाउंट खोलते हैं उसका, तो उसका अकाउंट 10 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 ईयर के पहले जो सुकन्या समृद्धि का अकाउंट है वो एक गर्ल चाइल्ड के लिए उसका जो पेरेंट्स है वो खोल सकते हैं। एन अकाउंट अंडर दिस स्कीम में बी ओपन फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 2 गर्ल चाइल्ड चिल्ड्रेन इन वन फैमिली। मोर देन 2 अकाउंट्स में बी ओपन इन ए फैमिली इफ सच चिल्ड्रेन आर, देखने की जरूरत नहीं है। ये देख लीजिए क्या है कि एक फैमिली का जो 2 गर्ल चाइल्ड होगा उसके लिए आप अकाउंट खोल सकते हैं। 2 का ज़्यादा होता है तो नहीं खोल सकते। मैक्सिमम आप एक फैमिली का 2 गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट खोल सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होता। फिर देख लीजिए डिपॉजिट क्या होता है। द अकाउंट में बी ओपन विथ ए मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 250 रुपीज़, मतलब 250 की डिपॉजिट पे आप इनिशियल डिपॉजिट पे अकाउंट खोल सकते हैं। वो मंथली भी इतना ही देना पड़ता है, मंथली मतलब जो आप देते थे मिनिमम 250 होता है। इन मल्टीपल ऑफ ₹50 देयर आफ्टर डिपॉजिट शेल बी मल्टीपल ऑफ ₹50 सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द मिनिमम ऑफ 250, वही है वो मिनिमम आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 250 देना पड़ता है। 250 एक फाइनेंशियल ईयर में देना ही पड़ता है। फिर देखते चाहिए टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द अकाउंट शैल नॉट एक्सीड 150,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में सेम ही है वो PPF के जा जो था वही है। PPF में मिनिमम था आपका 500, इसमें मिनिमम है 250 रुपीज़, और इस PPF में भी मैक्सिमम था 1.5 लाख, और इसमें भी मैक्सिमम वही है 1,50,000 मैक्सिमम है। एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1,50,000 ही दे सकते हैं। फिर डिपॉजिट कैन बी मेड इन द अकाउंट टिल द कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। आप जब अकाउंट ओपन करते हैं तब तक 50 ईयर्स तक आप इस अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर आता है प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द अकाउंट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर। अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है तो आप अकाउंट जो है वो क्लोज कर सकते हैं। द अकाउंट शैल बी क्लोज इमीडिएटली ऑन एप्लीकेशन फॉर्म 2, वो देखने की जरूरत नहीं है क्या फॉर्म देना पड़ता है वो क्लोज करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2 देना पड़ता है। नो प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट शैल बी मेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। जो 5 ईयर्स के पहले जो अकाउंट है वो नहीं खोल सकते। 5 ईयर का वो लॉक इन पीरियड होता है, तो इसमें प्रीमेच्योर जो क्लोजर होता है वो सिर्फ वही कर सकता है जो उसका डेथ हो जाए तभी। फिर विड्रॉल देख लीजिए इसमें कैसे विड्रॉल होता है। विड्रॉल ऑफ अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ द अकाउंट इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रिसाइडिंग द ईयर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल शैल बी अलाउटेड फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन ऑफ द अकाउंट। सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप वो जो अकाउंट से उसमें विड्रॉल कर सकते हैं। अकाउंट होल्डर अटेन इन द एज ऑफ 15 ईयर्स और हैज़ प्रेजेंट 10th स्टैंडर्ड विच एवर इज अर्लियर, मतलब अगर विड्रॉल करना चाहते हैं तो अगर अपने 10th स्टैंडर्ड में है या फिर आपका 15 ईयर हो चुका है तभी सिर्फ आप विड्रॉल कर सकते हैं। इसका कितना विड्रॉल कर सकते हैं, जो 50% है वही सिर्फ विड्रॉल हो सकता है। देख लीजिए इसमें बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होता है, MCQ बहुत सारा पूछा जाता है इसमें से। फिर आता है क्लोजर ऑफ द मेच्योरिटी। तो मेच्योरिटी में क्लोजर कैसे होता है। द अकाउंट शैल मेच्योर ऑन कंप्लीशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। ओपनिंग जब डेट था उसमें से जब एज होगा 21 ईयर्स, 21 ईयर्स का जब एज हो जाएगा तब आप अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। द क्लोजर ऑफ अकाउंट में ऑल्सो भी परमिटेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स, 21 ईयर्स के पहले भी आप अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। इफ द अकाउंट होल्डर ऑन एन एप्लीकेशन मेक्स ए रिक्वेस्ट फॉर सच क्लोजर फॉर अ रीजन इंटेंटेड मैरिज ऑफ द अकाउंट होल्डर और नॉट लेस देन 18, अगर 18 ईयर्स के बाद भी 20 ईयर्स से पहले 21 ईयर्स से पहले और 18 ईयर्स के बाद भी अगर वो जो है अकाउंट होल्डर वो रिक्वेस्ट करते हैं उसके मैरिज के लिए, जो अकाउंट है वो उसका क्लोजर हो सकता है। फिर उसके है टैक्स बेनिफिट, देख लीजिए क्या है। टैक्स बेनिफिट अमाउंट इन्वेस्टेड अप टू 1.5 लाख पर एनम
इज एक्सेम्प्टेड अंडर 80C, मतलब 80C के अंदर वो भी कवर होता है। मतलब 1.5 लाख जब वो आप देते हैं उसके लिए कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, 1.5 लाख आप पर ईयर तक फ्री मिलेगा आपको, बिल्कुल फ्री टैक्स फ्री मिलता है। फिर देख लीजिए 10, द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसके लिए बहुत सारा सीनियर सिटीजन के अकाउंट में आएगा, बैंक में आएगा, जो सीनियर सिटीजन अकाउंट के लिए बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म भी आता है SCS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। फिर कब चालू हुआ था, 2004 में चालू हुआ था। फिर ओपनिंग ऑफ अकाउंट, एन इंडिविजुअल फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशन, इंडिविजुअल जो है वो खोल सकते हैं, ये फॉलोइंग कंडीशन देख लीजिए क्या है, हु हैज़ एट इन द एज ऑफ 60 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट, जिसका अकाउंट खोलना है उसका 60 ईयर का एज होना चाहिए। फिर 55 ईयर्स के लिए भी किसी स्पेशल के लिए खोल सकते हैं। फिर इसमें देख लीजिए रिटायर्ड पर्सन ऑफ डिफेंस पर्सन, डिफेंस पर्सन के लिए आप 50 ईयर्स में भी अकाउंट खोल सकते हैं। बोथ द स्पाउस कैन ओपन सिंगल अकाउंट एंड ज्वाइंट अकाउंट विथ ईच ऑफ द, मतलब अगर स्पाउस के दो अकाउंट, दो ज्वाइंट अकाउंट है, समझिए कि एक ए का है और बी का है, ये दोनों स्पाउस है, फिर एक खुद से भी एक खोल सकते हैं, बी खुद से भी एक खोल सकते हैं, फिर ये दोनों ज्वाइंट भी एक खोल सकते हैं, जो ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, एक ज्वाइंटली भी खोल सकते हैं और वो सिंगली सिंगली भी खोल सकते हैं। फिर मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 1000 रुपीज़ ऑफ एनी इन सम मल्टीपल ऑफ 1000 रुपीज़, मतलब आप इसमें जो मिनिमम है, मिनिमम आपको 1000 देना पड़ेगा और मल्टीपल ऑफ 1000 के ये जमा होता है एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज़, मैक्सिमम आपका 15 लाख होता है, इसमें मैक्सिमम जमा होता है जो है वो 15 लाख और मिनिमम होता है 1000, 1000 आपको मिनिमम जमा करना पड़ता है, मल्टीपल ऑफ 1000 और आपका मैक्सिमम होता है 15 लाख। फिर देख लीजिए मोड ऑफ डिपॉजिट, इसमें डिपॉजिट कैसे होता है, द डिपॉजिट अंडर दिस रूल्स मे बी मेड, क्या होता है, इन कैश इफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज अप टू ₹1 लाख, 1 लाख तक आप कैश में जमा कर सकते हो, 1 लाख के ज़्यादा हो तो आप कैश में जमा नहीं कर सकते, बाई चेक और डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन इन फेवर ऑफ द डिपॉजिटर, ये चेक या डिमांड ड्राफ्ट से आप जमा कर सकते हैं, और बाई इलेक्ट्रॉनिक मोड, और बाई इलेक्ट्रॉनिक मोड भी आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर नॉमिनेशन, डिपॉजिटर में नॉमिनेट ए पर्सन और पर्सन्स, एक या एक के ज़्यादा पे आप जो नॉमिनेट दे सकते हैं, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर शैल बी एंटाइटल्ड इन द पेमेंट ऑफ द, मतलब वही है जो आप एक या एक से ज़्यादा इसमें जो नॉमिनी हो दे सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी शैल बी अवेलेबल इन द केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट ऑल्सो, ज्वाइंट अकाउंट है तब भी आप नॉमिनी दे सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट में तो एक से ज़्यादा आप लोग देते प्रेफर जो करते हैं, और एक ज्वाइंट अकाउंट नहीं होता सिंगल होता है तो ऐसे लोग एक को ही दे देते हैं। हाउएवर इन सच केस द ज्वाइंट होल्डर विल बी द फर्स्ट पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट पेएबल इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द डिपॉजिटर एंड द नॉमिनी क्लेम शैल बी अराइज आफ्टर द डिपॉजिटर बोथ, मतलब अगर जो कोई ज्वाइंट अकाउंट है ए और बी के नाम पे कोई ज्वाइंट अकाउंट है, समझ लीजिए इस जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, फिर जो आपका इन केस ऑफ डेथ ऑफ फर्स्ट पर्सन, मतलब आपका बी का समझे डेथ हो जाता है, तो जो फर्स्ट पर्सन है उसको सारा क्लेम मिल जाएगा, ठीक है, अगर वो दोनों का जो है आपका डेथ हो जाता है ए और बी, फिर आपका जो नॉमिनी है उसका केस आता है, अगर दोनों से एक भी जिंदा है तो जो जिंदा होगा उसका जो है वो क्लेम मिलेगा, या फिर दोनों डेथ हो जाते हैं फिर नॉमिनी का जो है वो क्लेम मिलेगा। क्लोजर ऑफ द अकाउंट, क्लोजर ऑफ द अकाउंट में क्या है, डिपॉजिट शैल बी पेड ऑन और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स, मतलब इसका जो पीरियड होता है 5 ईयर का वो लॉक इन पीरियड होता है, 5 ईयर तक आप इससे कोई विड्रॉल नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते 5 ईयर तक, 5 ईयर तक आप उसको क्लोजर भी नहीं कर सकते, ठीक है, जो 5 ईयर के बाद आपको जो 5 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है, 5 ईयर के बाद उसका मैच्योर पीरियड होता है। फिर देखिए प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट, प्री मैच्योर अगर आप करना चाहते हैं तो क्या क्या कंडीशन है जिसके साथ आप प्रीमेजर क्लोजर कर सकते हैं, देख लीजिए, अकाउंट होल्डर में विदड्रॉल द डिपॉजिट और एंड क्लोज द अकाउंट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन, फॉलोइंग कंडीशन पे आप प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं, क्या क्या है इसका, ऐसे तो इसका जो एज होता है 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, 5 ईयर तक आपको चलाना पड़ता है, 5 ईयर के बाद आपका उसका रिडेम्पशन मिलता है, लेकिन आपको प्रीमेच्योर क्लोजर भी मिलता है, क्या क्या कंडीशन है देख लीजिए, इन केस द अकाउंट इज क्लोज बिफोर 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिटेड इन द अकाउंट शैल बी रिकवर फ्रॉम द डिपॉजिटेड एंड द बैलेंस शीट ऑफ द, इसे जरूरत नहीं है, सिर्फ यही है जो अगर आप 1 ईयर के पहले अगर क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज कर सकते हैं, इन केस द अकाउंट इज क्लोज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ओपनिंग एन अकाउंट इक्वल टू 1.5% डिपॉजिटेड डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट बैलेंस शैल बी पेड टू द अकाउंट होल्डर, मतलब 1 ईयर से बाद या फिर 2 ईयर से पहले अगर आप अकाउंट खोलते हैं जो इसका इंटरेस्ट दिया जाता है उसको 1.5% जो है वो आपको फिर से रिकवर कर लेता है। फिर इन केस ऑफ द अकाउंट इज क्लोज और ऑन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ओपनिंग एन अमाउंट इक्वल टू 1% ऑफ द डिपॉजिट शैल बी डिडक्टेड एंड द बैलेंस शैल बी पेड टू द अकाउंट होल्डर, और अगर आप 2 ईयर के
एक्सपायर के बाद अगर आप जो अकाउंट है वो क्लोजर करते हैं तो उसका जो 1% है वो आपका डिडक्ट हो जाता है आपका बैलेंस के बाद में, और जो अकाउंट है अकाउंट होल्डर के अकाउंट से। फिर एक्सटेंशन ऑफ आफ्टर मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के बाद अगर आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो क्या होता है, द अकाउंट होल्डर में एक्सटेंड द अकाउंट फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। फिर ये पहले तो 5 ईयर का होता है, फिर अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं फॉर 3 ईयर के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, बाई मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म फोर। फॉर्म फोर को आपको जो जमा करना पड़ता है विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मेच्योरिटी। आपका 5 ईयर पे मेच्योरिटी हो जाता है, फिर आपका 5 से 6 एक ईयर के बीच आकर आपको एप्लीकेशन देते हैं, फॉर्म नंबर 4 देते हैं, तो आपका 3 ईयर के लिए फिर से आपका एक्सटेंड कर दिया जाता है। एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट ऑन अंडर द स्कीम शैल बी अवेलेबल ओनली वंस, सिर्फ एक बार ही आप एक्सटेंड कर सकते हैं 3 ईयर के लिए। आप समझिए कि 8 ईयर 3 ईयर का 5 से 3 ईयर हो गया, मतलब 8 हो गया, फिर आप चाहे तो 3 ईयर के लिए करना चाहते हैं वो नहीं होगा, सिर्फ एक बार ही 3 ईयर के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट इन SCSS क्वालिफाइज फ्रॉम डिडक्शन अंडर सेक्शन 86, जो 86 में सिर्फ 1.50 लाख का ही मिलता है, इससे ज़्यादा आप नहीं मिलता आपको पर एनम, वो ये दिया हुआ है। फिर ऑल इन्वेस्टमेंट्स अंडर रूल 86 सेक्शन 86 बेनिफिटेबल फाइनेंशियली वही है, 86 के अंदर सिर्फ 1.50 जो वही कवर है, वो जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें लोन अगेंस्ट डिपॉजिट टेजिंग द डिपॉजिट अकाउंट अंडर रहता है तो वो उसमें लोन नॉट परमिटेड होता है, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इससे लोन आपको नहीं मिलता है। फिर वो ये 2004 में चालू हुआ था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। चलिए चलिए।